आपके अंदर इच्छा शक्ति पूरी हो, दाढ़ी मूछ पूरी आती हो, शरीर का बनावट ठीक हो, सेक्सुअल इंटरेस्ट हो, लड़कियों में इंटरेस्ट हो, जब कोई लड़की देखो या पॉर्न देखो या आदमी में दिक्कत है या वो बच्चा नहीं कर पाता, तो मुझे उससे उसके दर्द से अपना दर्द महसूस होता है। मुझे पता है कि मुझे 7 साल से हाइड्रोसील है और आज के दिन उन बीमारियों की वजह से उसके स्पर्म काउंट पे इफेक्ट आ गया जिस कारण से वो बच्चे नहीं कर पा रहा। आपको नाइटफॉल ना हो या आपको हस्तमैथुन ना हो या आपको मॉर्निंग इरेक्शन ना हो या आपको धात ना गिरे तो आपके अंदर प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो मर्दानापनी नहीं है जो रिक्वायर्ड है। मेरे क्लिनिक पे हज़ारों पेशेंट आते हैं, मेरी खुद प्रॉब्लम है कि मैं सब मरीज़ों को नहीं देख सकता। मैं चाहूँगा सिर्फ उन मरीज़ों को देखना और टाइम देना जिनके लिए मैं अच्छी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ या जिनके जिनको मैं इलाज दे सकता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन वो था जिस दिन मेरी बेटी हुई थी। और हर आदमी की लाइफ में एक तमन्ना होती है कि शादी करे, बच्चे हो, पर इतने सारे मरीज़ हैं बेचारे जिनको बच्चे नहीं होते, इनफर्टिलिटी हो जाती है, स्पर्म काउंट में दिक्कत आ जाती है और वो फिर IVF सेंटर के चक्कर काटते रहते हैं इलाज कराने के लिए। मेरा शुरू से कोशिश रहती है कि मरीज़ों को IVF ना कराना पड़े, नेचुरल तरीके से ठीक होते हो तो हो जाए। पर जब भी मेरे पास कोई कपल आता है जिसमें आदमी में दिक्कत है या वो बच्चा नहीं कर पाता, तो मुझे उससे उसके दर्द से अपना दर्द महसूस होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब मैं अपनी बेटी को देखता हूँ और उससे मिलने वाली खुशी को एक्सपीरियंस करता हूँ, तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि वो जो आदमी है उस पर क्या बीत रही होगी। पर फिर इतनी इनफर्टिलिटी इस देश में क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। कई बार मेरे पास जब पेशेंट आता है जिसको 22 साल की उम्र से वेरिकोसील है और उसको पता है उसको 22 साल की उम्र से वेरिकोसील है, और जब वो 30 साल की उम्र में मेरे पास आता है शादी करके, कहता है हाँ जी मुझे पता है 8 साल से मुझे वेरिकोसील है, या मुझे पता है कि 6 साल से मेरे गोली में दर्द हुआ था, या मुझे पता है कि मुझे 7 साल से हाइड्रोसील है और आज के दिन उन बीमारियों की वजह से उसके स्पर्म काउंट पे इफेक्ट आ गया जिस कारण से वो बच्चे नहीं कर पा रहा, तो मुझे लगता है कि ये जो अवेयरनेस का इशू है, कई बार हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारे जो यंग भाई है, जैसे मेरे जूनियर्स है, आप लोग मेरे जूनियर्स हो, तो कई बार आप लोगों को घर पे ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इससे कल को आने वाली खुशी में कोई अड़चन आ सकती है। तो आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि क्या आप घर पे कुछ जांचें करके या घर पे अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करके ये पता लगा सकते हो कि आप में बाप बनने की क्षमता है या नहीं है, और आप क्विकली इस बात को आइडेंटिफाई कर लो कि कोई कमी है तो हम डॉक्टर को जाके दिखा लें और अपना इलाज चालू करा लें। क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स में अर्ली स्टेज में अगर आप ट्रीटमेंट एक्सेस कर लो, अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर को दिखा लो, तो आपको इलाज मिल सकता है। बड़ी क्लियरली बोल रहा हूँ मैं आपको, ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मुझे आप मेरे क्लिनिक पे दिखाने के लिए चाहिए। मेरे क्लिनिक पे हज़ारों पेशेंट आते हैं, मेरी खुद प्रॉब्लम है कि मैं सब मरीज़ों को नहीं देख सकता। मैं चाहूँगा सिर्फ उन मरीज़ों को देखना और टाइम देना जिनके लिए मैं अच्छी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ या जिनके जिनको मैं इलाज दे सकता हूँ। मेरे पास कई बार यंग लड़के आते हैं चेक करने के लिए कि डॉक्टर साहब पता करके बताओ कि मैं कल को शादी कर लूँ तो मैं फादर बन सकता हूँ। तो ये चीज़ें तो आप घर पर भी जा सकते हो, घर पर भी देख सकते हो, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 एग्जामिनेशंस अपने बॉडी के, सीमन कैसे चेक करें घर पे, और सीमन एग्जामिनेशन और 2 ब्लड टेस्ट बताऊंगा। ये आप घर पे कर सकते हो, अपने घर के पास किसी लैब में कर सकते हो और संतुष्ट हो सकते हो कि हाँ मैं बाप बन सकता हूँ, मेरे सब कुछ ठीक है। और इनमें से कोई टेस्ट में कमी आए तो अपने घर के पास किसी छोटे एंड्रोलॉजिस्ट को या यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, अगर उससे मैनेज हो जाए ठीक है, उससे ना मैनेज हो तो फिर आप क्लिनिक पर टाइम लेके आएंगे, मैं देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको ठीक करने की। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट या मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट। मेरी स्पेशलाइजेशन है पुरुषों के रोगों में जिसके अंदर इरेक्शन, अर्ली डिस्चार्ज, पेशाब, पेनिस, प्रोस्टेट या बच्चे ना होना इंक्लूड होते हैं। और आज का वीडियो है कि मैं बाप बन सकता हूँ कैसे पता करें, अपनी बॉडी को सेल्फ एग्जामिन कैसे करें। तो अगर आपको फादर बनना है तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, आपका लिंग बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपके लिंग में हरकत आनी चाहिए, आपको औरतों में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको सेक्स करने की इच्छा होनी चाहिए, और अगर सेक्स हो रहा है तो सेक्स ठीक से हो, जो आपका वीर्य है या पानी है वो ठीक से निकले और आपकी वाइफ की योनि में डिपॉजिट हो, और जो वो सीमन निकल रहा है उस सीमन के अंदर जो स्पर्म काउंट है, जो शुक्राणु है,
वो अच्छी क्वांटिटी में रहे ताकि आपकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो सके। तो सबसे पहले तो आपको अपने जो लिंग है आपको उसकी एक एग्जामिनेशन ओवरऑल करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपके अंदर इच्छा शक्ति पूरी हो, दाढ़ी मूछ पूरी आती हो, शरीर का बनावट ठीक हो, सेक्सुअल इंटरेस्ट हो, लड़कियों में इंटरेस्ट हो। जब कोई लड़की देखो या पॉर्न देखो या कुछ देखो तो आपके शरीर में उत्तेजना आए। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, नाइटफॉल बीमारी है, सर हम हस्तमैथुन करते हैं। अरे अच्छा है, अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है, अगर आपको हस्तमैथुन करने की इच्छा हो रही है, मतलब आप सेक्सुअली नॉर्मल हो। अगर आपको नाइटफॉल ना हो या आपको हस्तमैथुन ना हो या आपको मॉर्निंग इरेक्शन ना हो या आपको धात ना गिरे तो आपके अंदर प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो मर्दानापन ही नहीं है जो रिक्वायर्ड है। अगर आप यंग हो, 20-22 साल के हो, शरीर में एनर्जी है, एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, लड़कियों में इच्छा है, तो नाइटफॉल भी होगा, सेक्स करने की इच्छा भी होगी, दांत भी गिरेगा, तो वो तो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, ज़्यादा गिर रहा है तो उसका इलाज भी है, पर ये भी कुछ साइंस है कि आप नेचुरली नॉर्मल हो। अपने लिंग को जांच ले, लिंग ठीक होना चाहिए, साइज में भी। लिंग का जो छेद है पेशाब का वो टिप पे हो, अगर टिप पे नहीं है लिंग का जो छेद है वो नीचे की तरफ है तो उसको हाइपोस्पेडियाज बोलते हैं, उसका भी इलाज है। उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो सीमन है वो योनि में ना जाके बाहर टपक जाता है, लिंग की चमड़ी खुलती है आराम से। अगर फिमोसिस है तो भी सेक्स में दिक्कत आएगी, दर्द होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, सीमन में इन्फेक्शन होगा या वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो जांच लेगी आपकी लिंग की चमड़ी खुलती हो। हमारे मुस्लिम भाई है, उन्हें खतना हुआ होता है तो उनको दिक्कत ही नहीं है, पर अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम है उसको ठीक कराइए, फिमोसिस का इलाज आसान है। आप देख लीजिए कि आपका इरेक्शन पूरा आता हो, टाइमिंग की समस्या ना हो, कम से कम 2-3 मिनट तक आप टिक पाते हो, क्योंकि इतना टाइम चाहिए जो लेडी है उसको गर्म होने के लिए। कई बार अगर सपोज टाइमिंग बहुत कम है तो भी बच्चे नहीं होते, क्योंकि सीमन स्खलन योनि के बाहर हो जाता है या योनि के अंदर होता है तो आपकी वाइफ पूरी तैयार नहीं है, तो वो सीमन का जो द्वार है, जो योनि मुख है, वो पूरा खुलता नहीं। इरेक्शन पूरा आता हो, हार्डनेस पूरी आती हो, अगर ये सारे फैक्टर है तो यस, यू आर वन स्टेप। तो शरीर में हरकत भी आ रही है, एंजॉयमेंट की इच्छा भी है, लिंग भी साथ देगा, तो एक पार्ट खत्म। फिर आपने अपने टेस्टेज जांचने, अपनी गोलियां दोनों हो। कई बार गोली एक होती है, एक गोली चढ़ी होती है, दोनों गोलियां हो, दोनों गोलियां नीचे हो, दोनों गोलियां की साइज़ ठीक हो, कोई गोली बहुत छोटी ना हो, कोई गोली बहुत बड़ी ना हो, गोली में दर्द ना हो, गोली में कोई इन्फेक्शन ना हो, और गोलियों के अंदर कोई नस के गुच्छे ना हो या वेरिकोसील ना हो। कई बार हर्निया लेके मरीज घूमते रहते हैं, हाइड्रोस लेके मरीज घूमते रहते हैं, वेरिकोसील पता होता है गुच्छा है, चेक नहीं कराते, घर में कोई इलाज करा लिया, कान छिदवा लिए, कोई होम्योपैथिक दवाई ले ली, और उसके बाद भी फिर आज 5 साल 7 साल 8 साल के बाद जब गोली फूक जाती है उसके बाद फिर इलाज कराते हैं। तो अपनी गोलियों को खुद स्वयं जांच ले, थोड़ी बहुत गोली में साइज़ डिफरेंस, थोड़ी गोली बड़ी छोटी है, थोड़ी गोली ऊपर नीचे है, थोड़ी गोली टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, गोलियाँ है। जैसे पेड़ पर आम लगते हैं अलग अलग साइज़ के होते हैं, वैसे गोलियाँ भी किसी की बड़ी किसी की छोटी हो सकती है, पर अगर आपकी गोलियाँ नॉर्मल साइज़ की हैं तो भी आप ठीक हो। ये सब जांचें वो है जो मैं अपने मरीजों में करता हूँ, मेरे पास आते हैं देखने के लिए, आप खुद भी कर सकते हैं। फिर अपना मर्दानापन, मर्दानापन मतलब दाढ़ी मूछ पूरी हो, शरीर में ऊर्जा पूरी हो, ठीक है, मसल्स बनाओ तो बने, बहुत वीकनेस ना हो, छाती ठीक हो, छाती का साइज़ बहुत ज़्यादा, अगर से आफ्टर एज वजन बढ़ने की वजह छाती आ जाए अलग बात है, पर अदरवाइज़ को आदमी पतला है पर छाती अलग से निकली हुई है तो गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, उसके अंदर भी हार्मोन डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो ये सब भी आपके पॉइंट्स पूरे हो, शरीर में बाल आते हो, काक जांग में बाल आते हो, उनके अंदर साइज ठीक हो, तो ये भी एक साइन है कि आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा है वो अच्छी है, वो ठीक है। तो आपने अपना पेनिस जांच लिया, सेक्सुअल एनर्जी जांच ली, अपने सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जांच लिया, अगर ये सब नॉर्मल है तो 99.9% आप आराम से फादर बन जाएंगे। अगर आपके स्पर्म नॉर्मल होंगे तो आपको आगे जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरीली जांच मत कराइए, शादी कीजिए, बच्चे होंगे होंगे, नहीं होंगे तब जांचें कराएंगे। पर अगर आपको इनमें से कोई डिफ़िकल्टी लगती है, पेनिस में नहीं लग रहा ठीक, या फेमोसिस है, या टेस्टिस साइज नहीं ठीक लग रहा है, या वेरिकोसील है, या पहले कभी कोई सर्जरी हुई है बचपन में, या शरीर के अंदर पूरी बनावट नहीं है, तो फिर 2 टेस्ट है जो आपको कन्फर्म कर देंगे कि आपके अंदर कोई दिक्कत है या नहीं है। एक है सीमन टेस्ट और एक है टेस्टोस्टेरोन। सीमन टेस्ट जो है स्पर्म का टेस्ट है, स्पर्म मतलब सीमन मतलब जो सफ़ेद पानी आता है, सफ़ेद पानी के अंदर शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु माइक्रोस्कोपिक होते हैं और शुक्राणु का नंबर बताता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। तो जो सीमन टेस्ट है उसको देने के लिए आप अपने घर के पास किसी भी लैब में करा सकते हैं, 300 से 600 रुपये में टेस्ट होता है। आपने सुबह जाना है, वहाँ पर जाके अपना फ्रेश सीमन उनको देना है,
वो सीमन को आधे घंटे में जांच के बता देंगे कि इसके अंदर स्पर्म काउंट ठीक है या नहीं है। सीमन टेस्टिंग पे मेरी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है, लिंक में दी गई है, उसको देखिएगा ज़रूर। सीमन की जांच अच्छी तरीके से कराएंगे तो बता देंगे। उसमें आपको दो चीज़ देखनी है, पहला स्पर्म काउंट 15 मिलियन के ऊपर होना चाहिए, 15 मिलियन के ऊपर, और मोर्टिलिटी 40%। अगर 15 मिलियन से ऊपर स्पर्म काउंट है और 40% से ऊपर मोर्टिलिटी है तो मोटा मोटा आप नॉर्मल है। और सेकेंड है टेस्टोस्टेरोन की जांच। टेस्टोस्टेरोन एक खून का टेस्ट है, किसी भी अच्छी लैब में हो जाएगा। अगेन 500 से 750 रुपये तक में होता है। सुबह का सुबह जाना है, ब्लड सैंपल देना है, पहले सीमन दीजिए, ब्लड सैंपल दीजिए, उसकी रिपोर्ट आएगी। अगर आपकी रिपोर्ट 400 से ऊपर है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है, सीमन टेस्ट नॉर्मल है, आपकी शरीर की बनावट ठीक है और आपको सारे फीचर आ रहे हैं, तो बेफिक्र होकर अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीजिए, लंगोट बांधिए, अच्छी बैलेंस डाइट लीजिए, व्यायाम कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपको कोई भी कमी है तो एक एंड्रोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लीजिए, क्योंकि कई बार जो कमियां हैं वो यंग एज में अगर हम पकड़ ले, यंग एज में अगर हम ठीक कर ले तो मरीज़ काफ़ी हद तक, मरीज़ क्या मतलब लड़के जो है उनको बाद में दिक्कत नहीं आती। मेरी इच्छा ये है कि अगर आप आदमी हो, मर्द हो, तो आपको अपना बच्चा, अपना बालक होना चाहिए। बालक से ज़्यादा बड़ी खुशी कोई है नहीं, बेटी हो तो उससे बेटर चीज़ है नहीं, बेटी है तो आज के दिन बेटे से बेटर है। शादी करो, खुश रहो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। कोई अगर आपको लगे किसी भी व्यूअर को कि जो मैंने बताया गलत है तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिए, मैं आपको चैनल में बुलाऊंगा, मेरी जो भी गलती है उसको हम सुधारेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।